मैंने ये चूड़ीदार पैजामी बनाई है और आज मैं इसकी कटिंग आपको समझाऊंगी। कटिंग करते समय मैं आपको तीन आइडिया बताऊंगी कि आप तीन प्रकार से पैजामी कैसी बना सकते हैं। बिना म्यानी की भी पैजामी बना सकते हैं आप, बिना बेल्ट की भी पैजामी बना सकते हैं, और आप चाहें तो रबर डाल के भी बना सकते हैं। तो काटते समय मैं आपको ये सब समझाऊंगी। तो चलिए फिर कटिंग करते हैं। चूड़ीदार पैजामी का पहले नाप समझ लेते हैं। लंबाई है 38 इंच, कमर है 40 इंच, लटक है 30 इंच, घुटना है 15 इंच, मोहरी है 10 इंच। ठीक है, शुरू करते हैं कटिंग। तो ये कपड़ा मैंने 2 मीटर लिया है, डबल है अभी, लेकिन अब हम इसको उल्टा करेंगे। सीधा है तो अब हम इसको उल्टा करेंगे। इसको इस तरह बराबर से पकड़ना है आपको। तो इसको बराबर से मिलाते हुए यहाँ पे इसको दबा देंगे अच्छे से कि दोनों साइड बराबर रहे। इस तरह मिलाने के बाद इस तरफ कपड़ा पकड़ लेना है और इस तरफ कपड़ा पकड़ लेना है। इसके बाद हम इसको इसी तरह पकड़े रहेंगे और यहाँ से मोड़ देंगे इसको। यहाँ से पकड़े होंगे और इस तरह मोड़ देंगे इसको। तो इसको इस तरह तिरछा रखना है आपको। तो कपड़े को इस तरह तिरछा रख दिया है हमने। तिरछा रखने के बाद ऊपर से लंबाई शुरू करते हैं। तो ये ज्वाइंट नहीं खोलना है आपको, अब यहीं से शुरू करेंगे। तो 7 इंच का बेल्ट ऊपर के लिए छोड़ने के बाद अब हम इसको नापेंगे। तो हमें चाहिए यहाँ से 31 इंच शेप चाहिए और 1 इंच एक्स्ट्रा। ये 32 पे निशान लगा लिया है। तो ये हमारी पूरी पैजामी रहेगी। 7 इंच का बेल्ट ऊपर रहेगा और 31 इंच ये है, एक्स्ट्रा 1 इंच रखा है। 31 हमारा शेप रहेगा और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है ऊपर की साइड दबाने के लिए। यहाँ पे हल्का सा निशान लगाया। इसके बाद हम इस निशान से 17 इंच पे घुटने के लिए लगा लेते हैं। पहले इस 17 इंच से हमारा तिरछा जाएगा। तो 17 इंच से घुटना, नीचे की साइड से घुटने के लिए लगाया निशान। अब हम एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे इधर, जितना हमें चूड़ी भरना है उसके हिसाब से। अगर आप चाहें तो इसको 9 इंच भी बढ़ा सकती हैं, अगर ज़्यादा चूड़ी पसंद नहीं है। 11 इंच, 15 इंच, जितना आप चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसमें 12 इंच बढ़ा देती हूँ। जैसी चूड़ी आपको पसंद हो आप वहाँ से लंबाई बढ़ा सकती हैं। इस साइड से लंबाई बढ़ाना है आपको। तो ये हमारे निशान लग गए हैं। अब हम यहाँ पे लगाएंगे एक निशान जो सीध में रहेगा इसके। तो जैसे हमारा बेल्ट रहेगा, कमर 40 इंच है, तो हम बेल्ट में 5 इंच बढ़ाते हैं, तो उसको 23 इंच का बनाएंगे। तो जैसे कि कमर हमारी 40 है तो हम उसमें 4-5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। तो उसी तरह हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, उसी को याद रखते हुए यहाँ पे निशान लगाएंगे। जैसे 40 है तो 10 का दुगना होता है 20, और इसको बढ़ाते हैं एक्स्ट्रा। जैसे 3 इंच बढ़ाएंगे तो इसको हम 13 से काटेंगे। यहाँ पे एक निशान लगा लेते हैं, जितना हमारा कमर का रहेगा उतना ही यहाँ पे रहेगा। तो आपको इस तरह सीधा ही रखना है यहाँ से। तो ये हमारा सीधा रहेगा और ये जो तिरछा दिख रहा है आपको, वो मैं आपको यहाँ पे जॉइंट करके बताऊंगी। तो यहाँ पे हमने 3 इंच एक्स्ट्रा रखा है कमर के हिसाब से, जितना हमारा बेल्ट है उतना ही हमने यहाँ रखा है, और जो यहाँ पे बढ़ेगा वो हम प्लेटें बना देंगे इसमें। तो अब हम इसको सीधा कर देते हैं। तो घुटना 15 है, 7.5 पे निशान लगाएंगे आधा, और ये मोहरी हमारी 10 है तो इस पर 5 पे निशान लगाया। 1 इंच या 1.25 इंच आप यहाँ पे ले सकते हैं इसको फोल्ड करने के लिए। अंदर की साइड इसको फोल्ड कर देते हैं। यहाँ पे 1.25 पे लगाएंगे। अब हम इसको और इसको मिलाते जाना है, इस सब लाइन को मिलाएंगे। अभी मैं शेप बता रही हूँ, जितना रखना है अपन को शेप उतना बता रही हूँ, फिर इसको एक्स्ट्रा बढ़ा के काटना है। तो अभी ये हमारा शेप रहेगा। इस तरह तिरछा ले आना है आपको धीरे धीरे, और इसको इस तरह मिलाते जाना है। इसको डार्क कर देते हैं थोड़ा सा। अब आप यहाँ पे एक्स्ट्रा के लिए 1.25 इंच के हिसाब से रख सकती हैं। तो आपको यहाँ पे 1.25 इंच के हिसाब से पूरा ले जाना है इधर तक। इस तरह लगाने के बाद, निशान लगाने के बाद अब हम इसको काट लेंगे सीधे।
अब आपको ऊपर से कटिंग करना है। पहले इसको इस तरह निकाल देना है। अब इसको काटने के बाद इस कपड़े को इसी तरह रखा रहने दीजिए और इसको खिसकाइए ऊपर की साइड। अब हमें इसको इसमें जॉइंट करना है। तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, जॉइंट वाले कपड़े को थोड़ा सा बड़ा रखा है। तो इसमें जॉइंट करेंगे इसको और इसको यहां से काट लेते हैं। ये चार पुर्त में है तो चारों जॉइंट इसमें जुड़ना है हमें। ये भी चार पुर्त में है और ये भी चार पुर्त में, तो इनका जॉइंट लगाएंगे। अब इसको यहां से खोल देते हैं। तो ये चार कपड़ों को इसमें जॉइंट करना है। अब आपको एक बार लटक एक बार और नाप लेना है, क्योंकि लटक अगर बिगड़ गई तो ये पैजामी बैठने से पीछे से खिसकती रहेगी, इसलिए लटक पे आपको खास ध्यान रखना है कि लटक परफेक्ट होना चाहिए। इसे कोई कोई आसन भी बोलते हैं, जो भी आप अपना समझें है, या आप पैजामी के नाप से भी इसको नाप सकती हैं। तो अब आपको इसको जॉइंट करने के बाद यहाँ से नापना है कि 9 इंच इसको यहाँ पे निशान लगाना है, जैसे आधा इंच ऊपर को दबेगी आधा इंच नीचे को दबेगी। तो 1 इंच इसको एक्स्ट्रा रखना है और जितना कपड़ा ये बचेगा ना तो उसको हम काट के फेंक देंगे। ठीक है, तो जब हमारा ये जॉइंट लग जाएगा तो हम इस कपड़े को काट देंगे। पहले हम जॉइंट सिल लेंगे जिससे हमारा कपड़ा कम नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए अभी हम इसको इसी तरह छोड़ते हैं और इस कपड़े को फिर निकाल देंगे। अब इसके लिए म्यानी काटते हैं। और इधर भी मैं बताना चाहती हूँ, अगर आपको यहाँ पे हुक लगा के खोलने वाली पसंद है तो आप यहाँ पे 5 इंच एक्स्ट्रा रख के इस तरह निशान लगाएंगे। यहाँ से 5 इंच पे निशान लगाया और यहाँ पे आप खोलने के लिए कट लगा सकती हैं जिसको खोल सकती हैं। यहाँ से हुक लगाने वाली भी बना सकती हैं। अगर आपको वैसी पसंद है, हुक वाली पसंद नहीं है, तो आप यहाँ से सीधी सिलाई इसी पर चलाइए। तो इसका निशान लगा लेते हैं। इसको इसी तरह निशान को मोड़ते जाएंगे। जो निशान लगा है इसी, ये निशान है उसी के ऊपर हम इसको मोड़ेंगे। इस तरह निशान के ऊपर इस तरह मोड़ा। यहाँ तक निशान लगा लिया है आपने। अगर आप चाहें तो मैं अभी काट के आपको दिखा सकती हूँ। यहाँ से मैं काट के आपको दिखा दूंगी, अगर आप बनाते समय काटेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो जॉइंट लगाने के बाद इसको छांट देंगे, ये पूरे निशान कर लेते हैं। अब हम म्यानी निकालेंगे। तो म्यानी को आपको 5 से या 6 तक काट सकती हैं। तो मैं इसको 6 इंच का काट के बता रही हूँ आपको। लंबाई 6 इंच रखी है और यहाँ पे 4 इंच रखी है और यहाँ से 6 इंच पे निशान लगाया। तो इस तरह आप सीधा कपड़ा निकाल लीजिए। पहले ये डबल कपड़ा है, अब आपको इस तरह रखना है। इस तरह रखने के बाद इसको इस तरह करना है और यहाँ से तिरछा लगाना है। इस तरह आपको म्यानी काटना है और अगर आपको थोड़ा सा तिरछा लग रहा है तो इस तरह छांट देना है, इसको नोक इसकी निकाल देना है। ठीक है, तो ये म्यानी कट गई है। अब आपको मैं ये कपड़े और सिल के दिखा देती हूँ। ये म्यानी यहाँ पे लगेगी, लटक के हिसाब से लगेगी। तो पहले हम इस पुर्त को सिल लेते हैं, ये चारों पुर्त को इसमें जॉइंट कर देते हैं। उसके बाद हम जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको इस तरह निकाल देंगे और फिर इसको लगाएंगे। तो ये जो चार पुर्त है अब हम इसमें आपको जॉइंट करके बताएंगे। तो इसको इस तरह उठाना है और एक इसको, और दोनों को इस तरह मिलाना है। अभी जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसे रहने दीजिए, मतलब सिलने के बाद हम उसको काट देंगे। तो अभी हम यहाँ पे जॉइंट लगाएंगे। तो इसका एक साइड इसको अलग रख देते हैं और इस कोने तक इसको सिलना है। तो हम सीधी सिलाई डालेंगे यहाँ पर।
तो ये जॉइंट लग गया है इसमें, इसी तरह जॉइंट हम इसमें लगाएंगे। तो इसका एक कपड़ा फिर उठाएंगे, तो ये आपको देख लेना है कि दोनों साइड से सीधा, इसको भी सीधा होना चाहिए, इसको भी सीधा होना चाहिए। फिर इसी तरह इसको रखेंगे, इसको उल्टा कर दिया, अब इस पर फिर जॉइंट लगा देंगे। तो ये यहीं तक लगाना है जॉइंट। दो तीन पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसको दबा देते हैं इस तरह। तो इसी तरह जॉइंट हम इसमें भी लगा लेंगे, दोनों को इसी में इसमें जोड़ देंगे, उसके बाद पूरी कटिंग करके बताऊंगी आपको। तो इसमें जॉइंट हमने लगा ली है चारों में, ये देखिए चारों में जॉइंट लग गए हैं। तो अब आपको भी ऐसे ही जॉइंट लगाना है कि जॉइंट उल्टे साइड रहना चाहिए, आगे की साइड नहीं आना चाहिए। तो अब आपको मैं इसमें दो तरीका की पैजामी बताऊंगी, तो अब आप समझिए। अगर इस तरह आप काट करने के बाद अगर आपको ऊपर बेल्ट वाली बनानी है, तो उसके लिए अभी मैं कटिंग करके बता रही हूँ, बेल्ट नहीं लगाना है ऊपर। तो अब आप मैनी को इस तरह यहाँ पे फिट करिए, यहाँ पे फिट करिए और यहाँ पे नेफा के लिए कपड़ा जॉइंट करके लौट दीजिए। तो ये बन जाएगी आपकी बिना बेल्ट की पैजामी, जिसमें आपको ना तो प्लेटें डालनी होंगी ना कुछ, सीधा नारा डालो। अगर रबड़ वाली बनानी है तो आपको यहाँ से कटिंग उसकी अलग होगी। तो यहाँ से आप 2 इंच यहाँ से घटाइए, यहाँ से पहले इसको मिलाइए, अगर रबड़ वाली बनानी है तो 2 इंच यहाँ से घटाएंगे आप इस तरह, इसको यहाँ से घटाना है और पूरा सीधा यहाँ तक ले जाएंगे, यहाँ तक। दो इंच के हिसाब से मैं सीधा करके बता रही हूँ। तो आप इस तरह ले जाएंगे और इसको इस तरह घुमाए घुमा के इस तरह गुलाई देते हुए कटिंग करेंगे इसकी, इस तरह यहाँ से इस तरह गुलाई देंगे और यहाँ पे पट्टी जॉइंट करके आप यहाँ पे पट्टी जॉइंट करके रबड़ डाल सकती हैं, जिससे आपकी ये सिलेक्स जैसी बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी। और सिलेक्स जैसी बनाने के लिए आपको ये वाली एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं काटना है, यहाँ पे 2-3 इंच आपको एक्स्ट्रा रखनी है बस, ठीक है। तो आप इसको इस तरह गुलाई देंगी तो आपकी सिलेक्स जैसी बन जाएगी, जिसमें म्याने की ज़रूरत नहीं होगी, बस आपको यहाँ पे कपड़ा जॉइंट करना है रबड़ के लिए। तो अभी मैं आपको ये वाली काट के बता रही हूँ। तो एक निशान जो लगाया था मैंने वो आपको बताया था सिलेक्स के लिए, अब मैं बता रही हूँ नेफा के लिए। तो अब इसको सही से काट लेती हूँ, जो बना रहे थे पैजामी उसी के लिए, अभी तो मैंने ये आपको आइडिया दिया है। तो अब लटक का ध्यान रखना है हमें कि लटक हमारी 15 इंच है, तो 7 इंच का हमारा बेल्ट रहेगा और 9 इंच यहाँ रखेंगे, जिससे आधा इंच यहाँ पे दबेगी और आधा इंच यहाँ पे दबेगी, एक्स्ट्रा यहाँ पे जितना रहेगा। तो अब हम यहाँ पे इसको कटिंग कर देंगे, तो अब हम इसको इसी निशान से यहाँ तक मिलाएंगे। और लटक अगर आपकी परफेक्ट रहेगी तो आपकी पैजामी पीछे से कभी नहीं खिसकेगी। तो हम इसी को इस तरह मिलाएंगे, कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा रहता है तो हमें दिक्कत नहीं होती, तो हम जैसे भी चाहें उस तरीका की बना सकते हैं। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं सही से, इसको मिला देते हैं पहले यहाँ पे। नौ इंच रखा है तो आधा इंच ऊपर की साइड दबेगा और यहाँ तक आएगी सिलाई, और ये एक्स्ट्रा है। तो ये जॉइंट करने के बाद हमने इसको इस तरह काट दिया है, हमारी सिलाई इस पे चलेगी। यहाँ पे कट लगा देते हैं म्यानी के लिए।
तो यहाँ से जॉइंट रहेगी। मैंने जॉइंट रहने के बाद यहाँ से सिलाई चलेगी, तो इसको भी इसको रख के इसको निकाल लेते हैं सब। अब इसका बेल्ट निकाल लेते हैं, ये जो कपड़ा बचा है हमारा, तो इसका बेल्ट रखते हैं। तो ये कपड़ा की जो लंबाई है उसी हिसाब से हम इसको मोड़ देंगे इस तरह। तो इसको चार पुर्त में रख दिया है कपड़े को। अब कमर हमारी 40 इंच है, तो ये 40 परफेक्ट हो गई है। अब इसको हम 3 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे, तो इसको 13 अपने साथ लगाया, तो ये आधा इंच ये दब जाएगा अंदर की साइड, और 5 इंच हमारी एक्स्ट्रा रहेगी, और 7 इंच हमारा बेल्ट है 7 इंच, तो 7.5 आधा इंच दबाने के लिए और 1.5 इंच अंदर की साइड फोल्ड करने के लिए। तो ये फोल्ड करने के लिए अंदर जाएगा और नीचे की साइड दबाने के लिए आधा इंच, ये आधा इंच नीचे की साइड दबेगा। इसको एक साइड से खोल देंगे, तो ये हमारा बेल्ट हो गया ऊपर का। इस तरफ का जॉइंट नहीं खोला और इस तरफ का जॉइंट नहीं खोला, तो ये बेल्ट हो गया हमारा, और ये हमारी म्यानी हो गई। तो ये कटिंग पूरी हुई। तो इसमें मैंने आपको 3 तरीका की पैजामे कटिंग बता दी है, तो अब आप जिस तरह की पसंद हो आप वैसे बना सकती हैं। और अगर आपको और भी डाउट हो, इसमें और भी बनती है कि जैसे किसी को प्लेटें भी पसंद होती हैं यहाँ पर डालना, तो आप और चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह यहाँ से इस साइड आगे की साइड बढ़ाते हुए इसमें प्लेटें भी डाल सकते हैं। नेफा लगा रही हूँ और म्यानी लगा रही हूँ इसमें। अगर अब आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।